लालू परिवार के काले धन को सफेद बनाने वाले शख्स की हुई पहचान। आखिर कौन है लालू परिवार के काले धन का राजदार? आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव परिवार की बेनामी संपत्ति का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के लगातार खुलासे के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरे परिवार पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस शख्स की पहचान कर ली है जो लालू के परिवार का काला धन जमा कराता था। आईटी डिपार्टमेंट के मुताबिक जो शख्स लालू परिवार की ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम कर रहा था उसका नाम विनय मित्तल है। खबर के मुताबिक लालू यादव के दामाद शैलेश कुमार ने विनय मित्तल को ये जिम्मेदारी दी थी। खुलासे के मुताबिक शैलेश को फर्जी कंपनियों में पैसा जमा कराने का काम विनय ही करता था और इस काम को अंजाम देने के लिए विनय मित्तल ने सीए राजेश अग्रवाल को शैलेश कुमार से मिलवाया था। वो राजेश अग्रवाल ही था जिसने शैल कंपनियों के जरिए काला धन मीसा और शैलेश की कंपनी में भेजा था। एजेंसियां फिलहाल इस बात की जांच करने में जुटी हैं कि आखिर शैलेश तक ये पैसा कैसे आया। सूत्रों के मुताबिक विनय मित्तल पहले अमित कात्याल की कंपनी में काम करता था और अमित कात्याल ने ही उसे शैलेश से साल 2004-05 में मिलवाया था। साथ ही उसने शैलेश को आयकर रिटर्न भरने में सहयोग करने को भी कहा था। इसके बाद विनय शैलेश का आयकर रिटर्न भरवाने लगा जिसके बाद काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा शुरू हो गया। खबर के मुताबिक पर्दे के पीछे रहे इस शख्स की पहचान होने के बाद अब विनय से पूछताछ की तैयारी चल रही है। जाहिर है विनय से पूछताछ के बाद लालू और उनके परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इंडिया न्यूज़ बायरल की रिपोर्ट।